हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओवरथिंकिंग इस किताब के बारे में, जिसके ऑथर है रॉबर्ट लियरी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओवरथिंकिंग क्या है, ओवरथिंकिंग के कारण कौन से हैं और उसे कैसे स्टॉप किया जा सकता है। साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना मतलब जो हो नहीं सकता उसी के बारे में सोचकर चिंतित होना ये बुरी बात है, और यही ओवरथिंकिंग का एक सिम्टम है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत तभी होती है जब हम किसी भी काम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये टू मच इन्फॉर्मेशन हमारे कन्फ्यूजन को बढ़ाती है और उस आसान काम को मुश्किल बनाती है। अगर आप इस ओवरथिंकिंग की आदत से तंग आ गए हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके कारण को ढूंढो। चलिए फिर ओवरथिंकिंग के रीजंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट रीज़न है सोशल एक्सपेक्टेशन। देखिए, हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहले स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर करियर, फिर सक्सेस इन करियर, फिर सीनियर लेवल करियर एंड फिर रिटायरमेंट। जब हम इस स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते हैं तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट करके ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉलेज से पास आउट होने से पहले हम सोचते हैं कि कॉलेज ख़त्म होते ही मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हमने हार्डवर्क जो किया होता है, जैसे हमें सोसाइटी ने सिखाया था। लेकिन 2-3 महीनों की स्ट्रगल के बाद ही हमें समझ आ जाता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जॉब मिलना बहुत मुश्किल। इसी दौरान हम सोसाइटी में या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे एज के सक्सेसफुल लोग हैं उनसे खुद को कंपेयर करना शुरू करते हैं, और हम कितने असफल हैं इसी के बारे में रात दिन सोचते हैं। बस यही से अडल्ट में ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है, और जल्द ही सोसाइटी के ये एक्सपेक्टेशन हमें बर्डन लगने लगते हैं। सेकेंड रीज़न है रिलेशनशिप। कई सारे लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं। कॉलेज लेवल पे ओवरथिंकिंग का टॉपिक होता है, क्या वो मुझे लाइक करेगी। जैसे जैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, ओवरथिंकिंग का टॉपिक बन जाता है, वो हर रोज़ घर लेट आती है, इसका मतलब उसका कहीं तो अफेयर चल रहा है। यही थॉट्स आगे जेलसी और लो सेल्फ इस्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ओवरथिंकिंग की शुरुआत तब होती है जब हम सोशल प्लेटफॉर्म्स या फिर हमारे सोसाइटी में किसी परफेक्ट कपल को देखते हैं। जाने अनजाने हम हमारे रिलेशनशिप को उस परफेक्ट दिखने वाली रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हम चाहने लगते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे फेमस सेलिब्रिटी अपने पार्टनर की तरफ देखते हैं, वैसे हमारा भी पार्टनर हमें देखे। जब आपका पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता है तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवरथिंकिंग करना शुरू करते हो। थर्ड रीज़न है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है बहुत बड़ा गहरा सदमा, और ऐसे सदमे को भूलना और आगे बढ़ना किसी भी इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई अपने पेरेंट्स को खोने के सदमे में रहता है, तो कोई बचपन में किए गए अब्यूज़ के। इसका नतीजा ये होता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में सभी इवेंट्स को उसी इवेंट के साथ कंपेयर करता है और ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देता है। पास के पेनफुल इमोशंस ही उनके प्रोग्रेस में रुकावट बन जाते हैं। फोर्थ रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से हम प्रेजेंटनेस की फीलिंग से एडिक्ट हो गए हैं। हम एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि हमें हर मिनट की अपडेट होनी चाहिए। अगर एक घंटा भी हमारा इंटरनेट बंद हो जाता है तो हम बेचैन होने लगते हैं। ऐसा फील करने लगते हैं जैसे हमारा इस दुनिया से कनेक्शन ही टूट गया हो। यही सोशल मीडिया एडिक्शन ओवरथिंकिंग का एक पावरफुल सोर्स है। जो कंपैरिजन करने की आदत है वो सोशल मीडिया से ही तो कल्टिवेट होती है। इसी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, हैप्पियर और रिचर लोगों के परफेक्ट पिक्चर देखकर खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। यही थॉट्स अगर लंबे समय तक हमारे दिमाग में चलते रहे तो वो जल्द ही ओवरथिंकिंग का रूप ले लेते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं ओवरथिंकिंग के। अब हम देखते हैं कि ओवरथिंकिंग को स्टॉप कैसे किया जाए। देखिए, आप तब तक ओवरथिंकिंग करना बंद नहीं करोगे जब तक आप अपने दिमाग में भरी हुई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में नहीं बदलोगे। इसके लिए आपको
अपने दिमाग को क्लियर यानी डिक्लटर करना होगा, और ऐसा करके आप ओवरथिंकिंग को फोकस अचीवमेंट में बदल सकते हो। चलिए फिर माइंड डिक्लटर कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंटरप्शन टेक्निक। नेगेटिव थॉट को हटाने की ये ट्रिक है कि जैसे कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है उसे इंटरप्ट करो। इसके लिए हमें उन सारे नेगेटिव थॉट्स को पेपर के ऊपर लिखना होगा। जब ये लिस्ट रेडी हो जाएगी तो हर एक थॉट को देखो और सोचो कि वो थॉट आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसी पेपर पर नेक्स्ट कॉलम में उस नेगेटिव थॉट को अपोज करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट लिखो। इस तरीके से एक कॉलम नेगेटिव थॉट पैटर्न दिखाएगा और दूसरा कॉलम पॉजिटिव। ये माइंड को डिक्लटर करने का एक क्विक तरीका है, लेकिन आपको इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। इसका यूज़ करके आपका दिमाग तुरंत रिवायर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है फाइंड योर ट्रू पैशन। इंटरप्शन टेक्निक से हमने माइंड को क्लियर तो किया, लेकिन उसे फिर से क्लटर होने से बचाने के लिए उसे कुछ पर्पस से रीफिल करना होगा। इसके लिए फिर से एक पेपर पर लिखो कि जब आप छोटे थे तो वो कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती थी। वो टाइम याद करो जब आप वो करते थे जो आपको करना पसंद था, और डेली कुछ टाइम वही एक्टिविटीज़ करो ताकि आपके अंदर का वो बच्चा फिर जाग जाए। थर्ड स्टेप है डिक्लटर योर एनवायरनमेंट। आप मे भी सोचोगे कि एनवायरनमेंट यानी हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने का क्या कनेक्शन है ओवरथिंकिंग से। तो देखिए, हमारे बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। बाहर की दुनिया में डिसऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बताता है कि अंदर की दुनिया में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हमारी सराउंडिंग साफ सुथरी रखने से माइंडसेट इम्प्रूव होता है और स्पिरिट भी बढ़ता है। फोर्थ स्टेप है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब है कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके सिंपल जीवन बिताना। देखिए, हमारे दिमाग में जो ओवरक्राउडिंग थॉट्स घूमते हैं उनमें से पैसों से रिलेटेड थॉट सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि पैसा ही आज के ज़माने का एक पावरफुल एडिक्शन है और हर कोई उसी के पीछे भाग रहा है। इन्हीं पैसों से हम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हैं ताकि हमें कंफर्ट और फ्रीडम मिले, वही हमारे लिए ट्रैप बन जाती है। लेकिन सोचिए, हमें सुखी जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? एक छोटा घर और प्यार करने वाले लोग? फिर महंगी चीज़ें खरीदकर खुद को लोन में क्यों डुबाए? मिनिमलिज्म को अपना के हम अपने घर को अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों से और दिमाग को ओवरक्राउडिंग थॉट से बचा सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है फॉर्म गुड हैबिट्स। देखिए, सिर्फ गलत आदतों से छुटकारा पाना सफिशिएंट नहीं है, उन गलत आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। कुछ अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस एक्सेट्रा हमें उन बेमतलब के थॉट से दूर रखेगी। सिक्स्थ स्टेप है रिमूव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अपने ज़िंदगी से निकालना काफ़ी ज़रूरी है। आपके लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस कोई भी हो सकता है, जैसे आपका खड़ूस बॉस, आपका बेस्ट फ्रेंड, सोशल मीडिया, आपका पार्टनर या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स। उन इन्फ्लुएंसेस को हटा के प्रोग्रेस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव गॉसिप्स करता है जिसका आपके ऊपर बहुत बुरा असर होता है, तो आप उस फ्रेंड से बोल सकते हो कि आपके सामने वैसी बातें ना करें। तो इस तरीके से एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे इन्फ्लुएंसेस को दूर कर सकते हो। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हो। अब बारी आती है बोनस टिप्स की। पहली टिप है, जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे रियलिटी के साथ जोड़ो। ऐसा करके वो थॉट वही ख़त्म हो जाएगा और आप ओवरथिंकिंग करना बंद करेंगे। दूसरी टिप, हम सभी के चैलेंजेस और उनके साथ डील करने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कीप इट सिंपल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।